हेलो एवरीवन, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज मैं फिर से दो दो टोकरी लेके आ गई हूँ हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज मुझे अब मेरे किचन गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट होने वाला है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए? तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये जो तोरी है, धारी वाली तोरी है, इसको मैंने हार्वेस्ट किया है। ये ना साइज़ में छोटी छोटी ही है, गुच्छों में लगती है। इसको मैंने मानसून में लगाया था, मतलब जुलाई के मंथ में लगाया था। तो अब इसकी हार्वेस्टिंग मिल रही है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन चार मुझे मिली है। इसमें मैंने खीरा लौकी सब लगाया हुआ है। और इधर मेरी जो तोरी है वो फरवरी के मंथ में लगी हुई है, फरवरी मार्च में, जो अभी तक हार्वेस्टिंग दे रही है। लेकिन अब मानसून धीरे धीरे जा रहा है, तो देखिए इसका सीजन भी जा रहा है, इसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं। और इधर मुझे एक लौकी भी मिली है, देखिए लौकी का साइज़ बहुत बढ़िया है। तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ आज, लौकी को भी। और जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं किस पे चढ़ के हार्वेस्ट कर रही हूँ। और जानते हैं पीछे पूरा खाली प्लाट पड़ा हुआ है, अगर मैं गिर गई ना तो उसी में चली जाऊँगी। और देखिए लौकी का साइज़ कितना बढ़िया है। तो एक मुझे इधर से लौकी भी मिली है। और चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या मुझे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कैसे कैसे मतलब चढ़ के इधर उधर से हार्वेस्टिंग मिलती है। बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत मतलब ऊपर तक बेले चली गई हैं और मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती हूँ। और कुछ चीटे और चीटियाँ भी बेलों पे चढ़ती हैं, चलती हैं तो ऊपर भी चढ़ जाती हैं। तो देखिए एक लौकी इधर से भी मुझे मिली। और मैं इस गुफा के अंदर अब जा रही हूँ और मैं देखती हूँ इसके अंदर मुझे क्या क्या मतलब कितनी सब्जियाँ मिलती हैं, सब्जियों का मतलब कितनी तोरी मिलती है। तो देखिए इधर से दो तोरी मुझे मिली है इसके अंदर से, क्योंकि बेले काफ़ी ऊपर तक चढ़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा घनी भी हो गई हैं, तो उसमें कोसना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी अभी तोरी इधर से मिली है। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, इधर से आगे भी हार्वेस्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या मुझे मिलने वाला है। और तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी खोजना पड़ रहा है तोरी को, पत्तियों में सब छुपी हुई हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई हैं, जो उसमें सीड बन रहा है अब। तो देखिए किधर से मिले हैं। एक फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि आप इतनी सब्जियों का करती क्या हैं, जब अगर आप रोज़ हार्वेस्टिंग करती हैं। तो फ्रेंड्स मैं सब्जियां यूज करती हूं, और जब ज़्यादा हो जाती है तो मैं इसको अपने जानने वालों को दे भी देती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ चढ़ गई है। एक काफ़ी ऊपर है, जिसको मैंने मतलब मैं नहीं तोड़ पाई, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और मेरी सेम भी ऊपर तक चढ़ रही है, मैंने सेम लगा दिया। अगर आप लोग भी सेम लगाना चाहते हैं तो बहुत सही सीजन है, सेम लगा दीजिए। आप लोग भी इस समय लगाएंगे तो जैसी ठंडी आएंगी तो आप लोग को उसकी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। मैंने तो अभी लगा दिया, कुछ मैं और लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ तोरी इधर से भी मिल गई। और आगे देखते हैं अभी, देखिए इस बैगन के पेड़ में कुछ बैगन छुपे हुए थे पीछे के साइड में। तो देखिए इसका साइज़ कितना बढ़िया है, बैगन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अभी मेरे गार्डन में। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ बैगन भी मुझे मिल गए हैं। और ये लॉन्ग बीन्स, देखिए अभी इसका साइज़ ना छोटा है, और मैं छोड़ देती हूँ, मैं कल हार्वेस्ट करूंगी। और मुझे एक करेला भी मिला है, ये अपने आप से उगा हुआ पौधा था जिसमें एक करेले लगे हुए हैं, और पौधा काफ़ी अच्छा है। और देखिए फ्रेंड्स, हैंड पॉलिनेशन का कमाल, मेरी दो कद्दू लग गई है। और आज मैं एक कद्दू को हार्वेस्ट भी करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया कद्दू हुआ है। कद्दू खाना किसको किसको पसंद है, मुझे तो हर सब्ज़ी पसंद है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए एक इधर है, इसी को मैं हार्वेस्ट करूँगी, जो पहले वाली है बड़ी हो गई है। और जब मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी ना, तो फिर अगला कद्दू लगेगा, क्योंकि हम लोग कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो उतनी उसको एनर्जी कहिए या जो भी कहिए नहीं मिल पाती है। तो जब फ्रूट्स रेडी हो जाए तो ज़रूर हार्वेस्ट करें, ताकि नेक्स्ट फल आपका बने। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेट पे था तो मैंने इधर से खिसका के इसको निकाला है। और ये देखिए कितनी बढ़िया कद्दू है, जैसा कि देख सकते हैं। सोचिए कि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा। बहुत ही बढ़िया, सारी सब्जियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में टेस्ट। अगर आप लोग भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास टेरेस है तो ज़रूर फ्रेंड्स शुरू करें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, और बहुत से लोग मतलब गार्डनिंग शुरू भी किए हैं मेरा देख के। और जो भी आता है, विजिट करता है मेरे टेरेस पे, मेरे जानने वाले, उनको बहुत अच्छा लगता है। बस हिम्मत चाहिए करने की और मेहनत, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा अपने टेरेस पे रोज़ देना ही पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इतनी सब्जियां मुझे आज मिल गई हैं, बहुत सारी सब्जियां। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अब सब्जी बेचने बैठ गई हूँ। किसको किसको कौन सी सब्जी चाहिए ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ढेर सारी तोरी मिली है 2 किलो के आसपास, लौकी भी ढेर सारी मिली है, और ये देखिए कद्दू।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग जरूर बताइएगा। आप लोग भी किचन गार्डनिंग शुरू करो, अब तो ठंडियाँ आने वाली हैं, ठंडियों में बहुत सारी वैरायटीज लगती हैं और ठंडियों की गार्डनिंग करने में तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ठंडियों में गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मतलब थोड़ा सा परेशानी भी होती है। मॉर्निंग में ही आप कर सकते हो, लेकिन ठंडियों में आप कभी भी आके अपने छत पे गार्डनिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी टेरेस गार्डनिंग करो, गमलों में कर सकते हो, ग्रो बैग में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कर सकते हो, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ और बाय बाय फ्रेंड्स।